मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन कैला बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फिखर बिन मालिक बिन नजर बिन कैनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान कुछ जनरेशन के बाद इस्माइल अलैहि सलाम व बिन इब्राहिम अलैहि सलाम बिन आजर या तारुख बिन नहूर बिन सरूख बिन राऊ बिन फालिग बिन हूद सलाम बिन शालिख बिन अरफ़क्षद बिन साम बिन नूह अलैहि सलाम बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन इदरीस अलैहि सलाम बिन यारद बिन महललईल बिन केनान बिन अनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहि सलातो व सलाम। दोस्तों याद रहे कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का शजरा नसब नहीं बल्कि ये नबी अलैहि सलाम के अलावा कुरान पाक में मौजूद तमाम 25 अंबिया कराम का भी शजरा नसब है। इस चार्ट में हमने यहाँ पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक तमाम 25 अंबिया कराम के नामों को एक तरतीब के साथ लिखा है और फिर हर नबी का कुरान पाक में कितनी मरतबा नाम लेकर जिक्र किया गया है। इन तमाम अंबियाए कराम को लोगों की हदायत और रहनुमाई करने के लिए जिन इलाकों और शहरों की तरफ भेजा गया था तो हमने इस चार्ट में उन तमाम इलाकों और शहरों के नामों को भी लिखा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हमने सब्ज रंग से नबियों के नामों को लिखा है और सुर्ख रंग से रसूलों के नामों को लिखा है ताकि आपको बआसानी मालूम हो सके कि इन 25 नबियों में से नबी कौन थे और रसूल कौन थे। इसके अलावा इस चार्ट में हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 सफाती नाम और फिर इन नामों के नीचे हमने डिबेटेड प्रॉफिट्स यानी उन 10 नबियों के नामों को भी लिखा है कि जिन 10 नबियों के नबी होने के बारे में तमाम मुसलमान उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है क्योंकि इन 10 नबियों को कुरान पाक में कहीं पर भी नबी नहीं कहा गया है। इसके अलावा चार्ट में मौजूद सुर्ख रंग 5 उलुल अज़्म नबियों को रिप्रेजेंट करता है जबकि ब्लू कलर बनी इसराइल के नबियों को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह 25 नबियों में से 23 नबी ऐसे भी है की जिनका जिक्र कुरान के अलावा तो रात जबूर और इंजील में भी मौजूद है। लिहाजा इसी वजह से हमने अंबिया कराम के इब्रानी और यूनानी यानी बिब्लिकल नामों को भी इस चार्ट में लिखा है। इन तमाम मालूमात के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ खुलफाए राशिदीन बनु अब्बास बनु उमैया और अहले बैते अतहार का क्या रिश्ता था तो इन तमाम खानदानी रिश्तों को भी हमने इस चार्ट में एक्सप्लेन किया है। इस चार्ट में मौजूद तमाम मालूमात उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में ही मौजूद हैं। और दोस्तों चूंकि इस चार्ट को बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है लिहाजा इसी वजह से हमने 1000 साल पहले लिखी गई कई मुस्तनद इस्लामी किताबों का मुताला करके एक साल की रिसर्च और मेहनत के बाद इस चार्ट को बनाया है। और इस चार्ट को हमने इस वजह से बनाया है क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अल्लाह के नबियों की सीरत और सुन्नत के बारे में बताना तो दूर ये तालीमी इदारे हमारे बच्चों को कभी भी अल्लाह के नबियों के नाम तक नहीं बताते और इसी वजह से आज हम अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि अब ना ही तो हमें अल्लाह के नबियों के नाम आते हैं और ना ही हमारी औलाद को। लिहाजा घर के माहौल को इस्लामी और इल्मी एतबार से बेहतर करने के लिए और बच्चों में बचपन से ही अंबिया कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का शौक पैदा करने के लिए हमने इस चार्ट को बनाया।